अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, ईद मुबारक। आज पाकिस्तान में ईद का पहला दिन, जबकि दुबई में ईद का दूसरा दिन है। और आज हमारे घर है दावत, तो आज बहुत से गेस्ट के साथ आपको मिलवाना है। चलें जी, सुबह सुबह किचन में गर्मा गर्मी शुरू हो गई है। एक तरफ चिकन धो लिया गया है, दूसरी तरफ बन रहा है ट्राइफल। ये जो रेड लेयर आपको नज़र आ रही है वो है जेली की, जो कि अभी थोड़ा थोड़ा लिक्विड ही है। उसके ऊपर फ्रूट केक रखा जा रहा है और उसके ऊपर डाला जाएगा कस्टर्ड। ओके जी, इसके ऊपर हमने लगा देनी है कस्टर्ड की लेयर। कस्टर्ड में एक हमने इंग्रेडिएंट जो है वो स्पेशल डाला है, वो है फ्रेश क्रीम। पाकिस्तान में भी जो मिलती है वो हलीब वाली फ्रेश क्रीम इसमें डाली है, और उससे इसका टेक्सचर भी बड़ा क्रीमी हो गया और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आया। उसकी वजह से ये जो केक डाला है ना इसके अंदर, उसने उसमें भी अपना फ्लेवर डाल दिया। ओके जी, उसके ऊपर हमने लगा दी ग्रीन जेली और ये आ गई है फाइनल शक्ल। दूसरी तरफ हमारे दही भले तैयार हो रहे हैं। दही भलों की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, उसका लिंक मैंने लगा दिया है। और अब हम बना रहे हैं चिकन का सालन, जिसमें हमने डाला है चिकन, ऑयल में फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद उसमें मसाला डाल दिया है, जिसमें अदरक लहसुन प्याज और टमाटर का पेस्ट था, और साथ में हमने डाल दिए स्पाइसेस। और उसको अच्छे से हम भूनेंगे, भूनने के बाद पानी डाल देंगे जितनी हमें रिक्वायरमेंट हो। चलें जी, हमारी दावत में जो नेक्स्ट डिश है वो है मटन पुलाव। मटन की हमने यखनी निकाल ली है, अब प्याज को ब्राउन किया है, जो उसमें मटन है वो डाल दिया हमने प्याज के अंदर। और उसको डालने के बाद इसको हम भूनेंगे। हरी मिर्चें डाल दी हैं, अदरक का पेस्ट डाल दिया है और कुछ खड़े मसाले भी डाल दिए हैं। चावलों की शक्ल आपको बाद में दिखाई जाएगी, अभी फ़िलहाल आप ये देखें कीमे वाली टिक्कियाँ बन रही हैं, द मोस्ट फेवरेट कीमे वाली टिक्कियाँ। मसाला रात को हमने बना लिया था इसका। तो ये आ गई है फाइनल शक्ल। ओके जी, बाहर सफाइयाँ चल रही हैं, मेहमानों के आने का टाइम हो रहा है। ये हम हो गए हैं तैयार और अब आपको दिखा रहे हैं आज के ड्रेसेस। बीच ट्री का ड्रेस मैंने पहना हुआ है ऑरेंज कलर का, और साथ में ये हैं हमारी एक फ्रेंड जिन्होंने सना सफीनास पहना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस। मरियम की फैमिली भी रेडी हो गई है और हमारे गेस्ट भी आ गए हैं। तो हमारे जो पहले गेस्ट आए हैं वो हैं मेरी नंद, मेरे बच्चों की फूफो। हाँ जी, ये हो रहा है फ़ोटोशूट। रिजा का जो ड्रेस है वो केसरिया का है, इसकी ताई मामा ने भेजा था। जी, ताई मामा ने भेजा था। ओके जी, तो अब ये देखें। ये सारी मरियम की रिंग्स हैं ऑलमोस्ट, और मैं क्या वो पपीदा बनी हुई हूँ फिर से। खाने का टाइम हो गया है, स्टार्टर्स डिस्प्ले हो चुके हैं और ये खाना स्टार्ट हुआ। एक फैमिली हमारी रहती है, अभी उसका वेट हो रहा है।
रीता क्या खाया? अच्छा जी, ये जो सारी बर्तन तेरा हला बेच, ये जो सारी पंडेर है। हेलो उमर, तुम छोटे बच्चे हो, बस दिल कर रहा है देर बाद, दिल जवान होना चाहिए। ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि हमारे घर में सेलिब्रेशन हो और केक ना कट हो, बिकॉज केक हमारे सब बच्चों का फेवरेट है। तो बड़ा बच्चों ने केक कट होने से पहले ही उसको गंजा काट दिया। ये हर बार ऐसे ही होता है। यहाँ महद सना को खाना खिला रहा है, अब खुद भी खा रहा है। लेट्स, क्या खाया, कैसा है? कितने पॉइंट्स? 10 out of 10. चलें जी, और लॉट ऑफ मस्ती, लॉट ऑफ फन के बाद अब हमारे गेस्ट आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ जाने लगे हैं। और अंकल कहते हैं कि मुझे रिव्यूज़ देने हैं खाने के बारे में। बहुत टेस्टी खाना था, बहुत मज़ा आया, हर चीज़ बहुत। थैंक यू अंकल, आज सलोनी ने खाना बनाया था, मैंने चमचा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े ही अच्छे तरीके से दिन गुजर गया। आंटी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आई थी टाइम निकाल के और वापसी की तरफ चली। सी यू। किधर थी तुम? मैं जॉब पे गई हुई थी। नौकरी करके आई? नौकरी करके आई। कैसा गुजरा दिन तुम्हारा? बहुत अच्छा गुजरा, हमने बहुत फन किया, तुम्हें मिस भी किया था थोड़ा बहुत। हाँ, बस ये लाइन सुनने के बाद अब चाय की बारी। हमारा खाना चाय के बगैर अधूरा। बाकी के गेस्ट को भी किया सी ऑफ और आज का दिन हुआ ख़त्म। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। वंस अगेन ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़।